टू दिस लेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग एंड हम लोग, इस हम लोग uh, part, is, CIRP, आगे लेके जाने वाले मोस्टली आज के लेक्चर में यह वाला अपना खत्म हो जाएगा पूरा पेटिशन वाला सीन जो अपने बट एज एसमरी जब हम आप लोग किए थे कि लो पूरा जो चार्ट है वो याद करवा के रहेंगे तो इससे पहले कि हम घुसे अपने चैप्टर में एक बार फटाक से सीआईआरपी का पूरा प्रोसेस देखते हैं सीआईआरपी बोले तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब किसी कंपनी या इंडिविजुअल किसने बोला कंपनी या एलएलपी के सी को रिजोल्व करने का जो प्रोसेस है ठीक है किसी कंपनी या एलएलपी अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब अगर डेट्स पे नहीं कर पा रहे तो इंसॉल्वेंसी को उस को अगर हम रिजोल्व करना चाहे उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सीआईआरपी ये प्रोसेस इंसॉल्वेंस कोड के किस पार्ट में दिया गया है पार्ट टू में तो पार्ट टू पूरा डील करेगा कंपनी के साथ पार्ट थ्री पूरा डील करेगा इंडिविजुअल के साथ अभी अपने प्रेजेंटली पार्ट पे राइट ये सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का आज के डेट में क्यू बिकॉज यही अभी तक एनफोर्स हुआ है पार्ट थ्री अभी एनफोर्स हुआ ही नहीं है राइट तो चलिए आइए देखते क्या है प्रोसेस सबसे पहले क्या होना चाहिए डिफॉल्ट डिफॉल्ट मतलब अमाउंट हो जाता है ड्यू एंड पेबल एंड तब आप उसको पे नहीं करते हो मतलब कंपनी के पास किसी का पैसा है जो ड्यू हो गया है कंपनी की तरफ से पेबल हो गया है बट कंपनी पे ऑफ नहीं कर रही है तो वैसे अमाउंट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट ठीक है आईबीसी के अंदर डिफॉल्ट होना जरूरी है या उसके पहले भी हम लोग फाइल कर सकते हैं पटिशन डिफॉल्ट होना जरूरी है मतलब जब तक आपका डेट ड्यू पेबल एंड नॉट रीपेड ये तीनों चीज नहीं हो चाहता आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते ठीक है तो एक बार डिफॉल्ट हो गया उसके बाद आप क्या करते हो एप्लीकेशन फाइल करते हो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स दोनों क्रेडिटर्स ही होते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है ऑपरेशनल नहीं अगर हम आपसे फर्स्ट इंस्टेंस से पूछे दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप बोलोगे ऑपरेशनल क्रेडिटर केवल कौन कौन एम्प्लॉयज सप्लायर एंड गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयज सप्लायर एंड गवर्नमेंट ये तीनों मिला के बनाते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर ठीक है creditor, इनके अलावा किसी भी ऐसा इंसान को जिसको कंपनी को पैसा देना बाकी है सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं ठीक है हम लोग ने डिफ्रेंसियशन क्यों किया बिकॉज अमाउंट छोटा होता है गवर्नमेंट सप्लायर्स एंड एम्प्लॉज का एंड रेकरिंग होता है हर महीने देना पड़ेगा हर महीने जीएसटी भरो हर महीने एम्प्लॉज को सैलरी दो जब जब आपका रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तब तक सप्लायर से लो एंड सप्लायर को पैसा दो तो हर महीने ये डिफरेंस आता है हर महीने ये रेकर होता है इसीलिए हम लोग इनको अलग से रख दिए ठीक है बट पैसा तो इनको भी वापस करना ही है ना ये भी तो क्रेडिटर्स हुए ही ना तो इसलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का एक अलग ही सेगमेंट बना लिया ठीक है तो एप्लीकेशन फाइल फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट तीनों कर सकते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोले तो कॉर्पोरेट डेटर उसका सीएफओ उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर सब लोग आ जाते हैं उसमें मतलब बेसिकली कंपनी की तरफ से अगर एप्लीकेशन फाइल हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड में जो क्रेडिटर है वो भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन जो डेटर है वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मतलब वही हुआ ना राइट चलिए एप्लीकेशन फाइल हो गया एनसीएलटी के पास एनसीएलटी या तो रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट कर लेगी अगर रिजेक्ट कर दी तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होता है कंपनी वैसे ही चलती है क्यू बिकॉज सीआईआरपी सही मायने में स्टार्ट होता है अगर एक्सेप्ट हुआ तब एक्सेप्ट होने के बाद सीआईआर स्टार्ट होता है तो अगर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो गया फर्स्ट इंस्टेंस में तो क्या ही फिर होगा कुछ नहीं होगा जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा ठीक है अगर मान लो एनसीएल ने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन तो स्टार्ट होता है इस डेट को बोलते हैं इन्सॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट राइट यहां पर तीन चीजें होती है जिस दिन एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट होता है उस दिन तीन चीजें होती है क्या क्या अपॉइंटमेंट ऑफ आई आर पी दैट इज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पब्लिक अनाउंसमेंट एंड मॉरेटोरियम मेमोरेंडम किसने बोला मॉरेटोरियम ठीक है मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है वो अपने डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी बस जान लो ये तीन चीजें होती है ठीक है उसके बाद इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो सबसे क्लेम्स मंगाता है सबसे क्लेम्स मतलब हर क्रेडिटर को बोलता है जिसके जिसके पास पैसा बचा है ला के दो मेरे को ठीक है क्यू बिकॉज मेरे को क्या बनाना है ऑफ क्रेडिटर्स बनाना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है बिकॉज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो शेयर होल्डर्स का सारा डिसीजन कौन लेगा आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स अब कोई डिसीजन नहीं लेते सारा डिसीजन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स लेती है वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई डिसीजन नहीं लेते सारा डिसीजन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लेता है यहां तक समझा यहां तक याद आया ठीक है तो एक बार आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुपरसीड हो जाते हैं उनके जगह आ जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड शेयर होल्डर्स सुपरसीड हो जाते हैं उनके जगह आ जाता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ठीक है अब शेयर होल्डर्स का मीटिंग बहुत ईजी होता है बुलाना बिकॉज हमारे पास रजिस्टर होता है मेंबर्स का क्रेडिटर्स का कोई रजिस्टर नहीं होता इसलिए हमको पहले क्लेम्स मंगाना पड़ता है क्लेम्स वेरीफाई करना पड़ता है एंड देन हम कमिटी बनाते हैं ठीक है तो देखो कलेक्शन वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम कमिटी बन गई कमेटी बनने के बाद पहला स्टेप अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये यहां पे दिया गया नहीं है यहां एक स्टेप आता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अभी तक जो इंसान अपॉइंटेड था उसका नाम था इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक बार कमिटी बन जाती है तो कमिटी फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का पहला काम प्रेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है ये बिकॉज हम इस प्रोसेस को थ्रू क्या करना चाह रहे हैं मेरी कंपनी थी मान लो मेरी कंपनी डूब गई इस प्रोसेस के थ्रू हम बोल रहे हैं कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है तुम प्लीज मेरी कंपनी में अपना पैसा लगाओ मेरी कंपनी का डेट्स पे ऑफ करो एंड उसके बाद कंपनी का कंट्रोल लेके चले जाओ राइट अब मान लो आपके हिसाब पास बहुत पैसा है हम अपनी कंपनी को लेके आए और हम बोले मेरे को सौ करोड़ रुपया चाहिए लगा दो मेरी कंपनी में क्या आप लोग ऐसी लगा दोगे नहीं क्या मांगोगे इंफॉर्मेशन मांगोगे ना सौ करोड़ का बात हो रहा है सौ रुपए का बात नहीं हो रहा है हम लोग तो सौ रुपए लगाने के पहले भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे राइट तो जब इतना बड़ा अमाउंट आप ऑब्वियसली सौ करोड़ सौ रुपए के लिए नहीं मांगोगे इन्फॉर्मेशन मांगो आप नहीं मांगोगे आप रोल्स रॉयल में घूमते हो बाबा ठीक है चलो तो सौ करोड़ का इंफॉर्मेशन आप सौ करोड़ का इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं कंपनी का इंफॉर्मेशन मांगेगा ना कोई भी इंसान जो पैसा लगाएगा वो इंफॉर्मेशन कैसे देंगे बाई वे ऑफ इफॉर्मेशन मेमोरेंडम उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है फाइनेंशियल ठीक है जो भी एक थर्ड पार्टी को चाहिए एक बार आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मिल गया तो वो क्या सबमिट करते हैं रेजोल्यूशन प्लान रेजोल्यूशन प्लान कुछ नहीं होता है वो हर हर वो ऐसा रईस इंसान जो पैसा लगाने वाला है वो अपना प्लान ला के देता है और बोलता है कि देखो हम तुम्हारी कंपनी में ऐसे, ऐसे 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 पैसा लगाएंगे तुम्हारा डेट्स ऐसे ऐसे डिस्चार्ज करेंगे एंड ये पूरा मेरा प्लान है ठीक है अब हो सकता है पांच छह लोग एक साथ ला के प्लान दे दे क्या हम सबका प्लान एक्सेप्ट कर सकते हैं कितने का करना है एक, एक ही का ना कर सकते हो अब मेरे को चाहिए सौ करोड़ आप भी सौ करोड़ आप भी सौ करोड़ आप भी सौ करोड़ हम छो करोड़ का क्या करेंगे मेरे को तो सौ ही करोड़ चाहिए ना तो हम एक ही इंसान का प्लान एक्सेप्ट करेंगे अब वो फाइनल प्लान जो मेरे को सिलेक्ट करना होता है उसके लिए हमने तीन ट्रैप तीन लेवल्स लगा के रखे जहां पर उसको फिल्टर करते हैं पहला लेवल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है पहला लेवल ऑफ चेक वो क्या चेक करता है एलिजिबिलिटी ऑफ दी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो इंसान वो प्लान ला के जमा किया क्या वो एलिजिबल था इन द फर्स्ट प्लेस प्लान जमा करने के हम सबको अलाउ नहीं करते प्लान जमा करने के लिए कोई पर्टिकुलर लोगों को ही करते तो क्या वो इंसान जो प्लान जमा किया वो एलिजिबल था मान लो आप लोग छह लोगों ने मेरे को प्लान दिया था छह में से छह लोगों ने प्लान दिया था छ में से ले चार लोग एलिजिबल है दो लोग एलिजिबल नहीं है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कितना प्लान आगे बढ़ाएगा केवल चार को ही आगे बढ़ाएगा जो एलिजिबल है जो एलिजिबल नहीं इन एलिजिबल होते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाएगा समझा ठीक है तो वो आगे किसको बढ़ाएगा किसके पास भेजेगा सीओसी के पास तो सेकंड लेवल होता है सीओसी फर्स्ट लेवल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चेक किया एलिजिबिलिटी सेकंड लेवल हम गए सीओसी के पास सीओसी क्या करता है सीओसी सारे प्लान के मेरिट में घुसेगा एक एक चीज डिस्कस करेगा वाई बिकॉज अल्टीमेटली तो क्रेडिटर्स का ही पैसा है ना स्टेक पे तो क्रेडिटर्स डिसाइड करते हैं उनको कैसा पैसा चाहिए किस प्लान के हिसाब से चाहिए ठीक है वो लोग पूरा जितने सब डिस्कस करेंगे एंड कितने प्लान को फाइनलाइज करेंगे एक प्लान को सीओसी केवल एक प्लान फाइनलाइज करता है जो उसको बेस्ट लगता है वो प्लान वो कहां भेजेगा एनसीएलटी थर्ड लेवल ऑफ चेक इज एनसीएलटी एनसीएलटी क्या चेक करेगा उस प्लान में वेदर द प्लान इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल ठीक है अगर एनसीएलटी को लगा कि सब चीज ठीक है प्लान जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है तो एनसीएलटी विल एक्सेप्ट द प्लान अगर लगा नहीं है रीजनेबल तो वो रिजेक्ट कर देगा रिजेक्ट कर देगा तो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है सीआईआरपी स्टार्ट होने के बाद कहीं पे भी अगर ऐसा पॉइंट आता है जहां आपके पास प्लान नहीं है आगे ले जाने के लिए योर कंपनी विल गेट लिक्विडेटेड तो सीआईआर अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो दो ही ऑल्टरनेटिव होते हैं या तो आपकी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है या आपकी कंपनी का एक प्लान अप्रूव हो जाता है तो दोनों केस में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है मैनेजमेंट का क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ से कंट्रोल जाता है ना लिक्विडिट हुआ तो कंपनी खत्म हो जाएगी कंट्रोल गया तो मैनेजमेंट के हाथ से कंट्रोल जाएगा तो दोनों के इसे मैनेजमेंट का नुकसान होता ही है फेर भी है डुबाया किसने मैनेजमेंट नहीं है डुबाया कंपनी को तो फेर भी है उनके हाथ से लेना राइट चलिए अपने इसका इन डिटेल डिस्कशन अभी कर रहे ये पूरा प्रोसेस है समझा सबको प्रोसेस आप लोग को पता था आप लोग को प्रोसेस समझाए थोड़ा बहुत समझा होगा पूरा नहीं समझा होगा अभी वो हम समझा देंगे बाद में ऐसे समझा ठीक है चलिए अब अपने जो मॉड्यूल है मॉड्यूल में एक चैप्टर के अंदर पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ाया गया मॉड्यूल में एक चैप्टर के अंदर आपका इतना पढ़ाया गया है दूसरे चैप्टर के अंदर आपका इतना पढ़ाया गया है तीसरे के अंदर इतना है चौथे के अंदर इतना है एंड पांचवे के अंदर ये है ठीक है तो अपने अब हर स्टेप को डिटेल में पढ़ने वाले हम आपको ये प्रोसेस पहले इसलिए पढ़ा देते ताकि आपको पता रहे कि हम क्यों पढ़ रहे ये क्या पॉइंट पे अभी हम राइट तो अभी अपने देखते हैं चैप्टर नंबर जो अपने को देखना था ये ये चैप्टर नंबर जो है ये है डील करता विथ पिटीशन फॉर इंसॉल्वेंसी पिटिशन फॉर सीआईआरपी ठीक है मतलब आप जो एप्लीकेशन फाइल करते हो उसके साथ ये चैप्टर डील करता है तो हम लोगों ने कल देखा था सी क्या होता है वो आपने डिस्कस कर दिया सीआरपी क्या होता है वॉट इज अ सी आई आर मतलब हाँ टूटा फूटा बोल दिया बट आ गया आंसर तो सी आई आर पी इज द प्रोसेस जहां पे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग एक डेटर की कंपनी का वायबिलिटी चेक करते हैं पहले वो लोग देखते हैं कि ये जो कंपनी है उसका बिजनेस कितना वायबल है क्या वो बच सकता है क्या वो नहीं बच सकता है अगर उनको स्टार्टिंग में लग गया कि ये कंपनी नहीं बच सकती वो तुरंत लिक्विडेट करा सकते हैं उनको पूरा प्रोसेस के थ्रू जाने का जरूरत नहीं है वो तुरंत लिक्विडेट करा सकते हैं बट अगर उनको लगा कि नहीं कंपनी शायद बच सकती है तो फिर वो आगे जाके खोजेंगे ऑप्शंस ऑफ रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑप्शंस ऑफ रिवाइवल मतलब कुछ नहीं हम रेजोल्यूशन प्लान्स मंगा रहे हैं ठीक है वही हुआ ना रेजोल्यूशन प्लान मंगाना आप लोग सब पैसा इन्वेस्ट करोगे मेरी कंपनी बच जाएगी रिवाइव हो जाएगी तो सी आई आर पी इज द प्रोसेस वेर इन द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स असेस दिलिटी ऑफ द डेटर्स बिजनेस एंड सीक ऑप्शन फॉर इट्स रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्यों क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही ना सारा डिसीजन लेती है उसमें केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बैठते उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं बैठते उसमें एम्प्लॉयज सप्लायर्स गवर्नमेंट नहीं बैठता एंप्लॉयज सप्लायर्स एंड गवर्नमेंट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने वैसे ही है जैसे आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने होते हैं ठीक है दे डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स एट ऑल ठीक है कुछ खास एकदम एक्सेप्शनल सिचुएशन में उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं वो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी एक्सेप्शनल सिचुएशन से वोटिंग राइट मिलता है तो सेम चलता है ठीक है चलिए उसके बाद आपने देखे सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स क्या बोलता है कौन पेटिशन फाइल कर सकता है तो ये आपने चार्ट में देख लिया कौन लोग पेटिशन फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट सेक्शन सिक्स में जब 2016 में ये ओरिजिनली आईबीसी आया था तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की जगह कौन सा वर्ड था कॉर्पोरेट डेटर उस समय हमने केवल कंपनी को अलाउ किया था कि कंपनी अपने बोले तो वो कंपनी जिसका ये पूरा प्रोसेस होने वाला है राइट तो हमने केवल कंपनी को अलाउ किया था कि आप अपने नाम पर ला सकते हो पेटिशन बाद में हमें लगा नहीं यार कंपनी को अगर अपने नाम पे पिटीशन पे लाना है मतलब उसको पूरा शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा मतलब एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग मतलब एक ट्वेंटी डेज का नोटिस बहुत टाइम लग रहा था और आईबीसी का एसेंसिस टाइम आईबीसी में हर चीज टाइम के हिसाब से होता है हर चीज टाइम बाउंड है अगर आप टाइमलाइन फॉलो नहीं करोगे, कंपनी को एप्लीकेंट तो तो करके, करके क्यों लाया क्योंकि अब कंपनी अपने नाम पर तो जा सकती है बट अगर मान लो उनको पूरा झंझट नहीं करना है तो सीएफओ भी जा सकता है खुद से मैनेजिंग डायरेक्टर भी जा सकता है खुद से तो हम लोगों ने इनको इंडिविजुअली पार दे दिया कि आप खुद से भी जा सकते हो ठीक है तो ये सेक्शन सिक्स था सेक्शन सिक्स टॉक्स अबाउट कौन कौन लोग जा सकते हैं ये अपने उस चार्ट में देख लिया कौन तीन लोग जा सकते हैं कल हम लोग ने सेक्शन सेवन भी देख लिया था एक चीज याद रखिएगा आईबीसी सबसे प्यारा आईबीसी का सबसे प्यारा आ, फीचर क्या है पता है आईबीसी में सारे सेक्शंस एकदम प्रोसेस के लाइन से चलते हैं तो आपको अगर वो प्रोसेस याद है ना वो चार्ट याद है आपको सेक्शंस ऑटोमेटिकली सारे याद हो जाएंगे तो जैसे सेक्शन से स्टार्ट किया 6 में मेंक्शन एट नाइन बात करेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन टेन बात करेगा कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के बारे में सेक्शन इलेवन बोलेगा कौन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता ठीक है तो इतना अपने आज देखने वाले चलो एक बार सेक्शन सेवन वापस रिवाइज करते हम लोगों ने कल देख लिया था कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे मैम कितनी नींद आ रही कितनी नींद आ रही है ठीक है हम लोग ने देख लिया था मेन चार्ट पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ था एप्लीकेशन एनसीएलटी या तो एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा बट वो इतना इजी नहीं होता उसमें कुछ और स्टेप्स होते हैं जो हम लोग इन डिटेल यहां पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले डिफॉल्ट एप्लीकेशन फाइल करते हो आप एनसीएलटी के पास राइट एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास फाइल करते हो तो क्या केवल एक पेपर में ले जाके दिख दोगे कि कंपनी एक्स ने पैसा वापस नहीं दिया इनिशिएट कर दो आपको प्रूफ वगैरह तो देना पड़ेगा ना तभी ना एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगी तो आप एप्लीकेशन ले जाते हो तो उसके साथ तीन चीज लेके जाते हो क्या क्या रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट आपको प्रूफ दिखाना होगा कि डिफॉल्ट कहां हुआ है तभी ना एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगी नहीं तो हर एरा गेरा खेरा ले जाके दे देगा एप्लीकेशन सारी कंपनी में सीआरपी स्टार्ट हो जाएगा राइट तो यू नीड टू शो द प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट सेकेंडली एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का आप नाम सजेस्ट करते हो जो कि एलिजिबल होना चाहिए राइट right? वो आगे जाके आईआरपी जैसे अपॉइंट होगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे अपॉइंट होगा एंड थर्ड एनी अदर इंफॉर्मेशन अगर ये सब चीज देख के एनसीएलटी कन्विंस हो जाती है कि डिफॉल्ट है डिफॉल्ट हुआ है तो एनसीएलटी विल एडमिट दी एप्लीकेशन अगर एनसीएलटी को लगता है कि नहीं डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो एनसीएलटी विल रिजेक्ट दी एप्लीकेशन जो भी डिसीजन लेगी उसको सेवन डेज में कम्युनिकेट करना पड़ता है और एनसीएलटी को ये डिसीजन लेना पड़ता है विद इन 14 डेज 14 डेज के अंदर एनसीएलटी को डिसाइड करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं सो so, मान लो अगर आप फर्स्ट फेब्रवरी को एप्लीकेशन फाइल करते हो एनसीएलटी को डिसाइड करना है फोर्टीन फेब्रवरी तक एंड उसके सेवन डेज के अंदर मतलब ट्वेंटी फर्स्ट तक उसको इन्फॉर्म कर देना है ये टाइमलाइन समझा अगर मान लो ये फर्स्ट फेब से फोर्टीन फेब के बीच में एनसीएलटी को कहीं पता लगता है या ऐसा लगता है कि आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या आपने जिस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या जिस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम बताया है, वो एलिजिबल नहीं है तो एनसीएलटी आपको एप्लीकेशन रिटर्न कर देगी ठीक है रिटर्न करने के बाद बोलेगी सेवन डेज का टाइम है एप्लीकेशन कंप्लीट करके दो मेरे को अगर आपने सेवन डेज में एप्लीकेशन कंप्लीट करके दे दिया तो फिर आपका एप्लीकेशन नॉर्मल टाइमलाइन के हिसाब से चलेगा अगर नहीं दिया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा समझा ठीक है यहां तक ये तो आपने कल डिस्कस कर लिए थे आ, और क्या क्या डिस्कस किए थे आपने कल हाँ अच्छा मान लो फर्स्ट फेब को आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था ये अपने एक बार कल का वापस रिवाइज करें बिकॉज यही सेम चीज नीचे भी देखना है तो अभी रिवाइज कर ले रहे नीचे रिव, रिव, रिपीट नहीं करेंगे ठीक है मान लो आपने फर्स्ट फेब को एप्लीकेशन दिया था टेंथ फेप को एनसीएल को पता चला इनकम्प्लीट है एनसीएलटी वापस दे दी आपको ठीक है आपके पास कितना टाइम है सेवन डेज तो आपको वापस कब तक देना है सेवनटीन फेब तक देना है एनसीएलटी के पास ओरिजिनली फोर्टीन डेज कब खत्म हो रहा था फोर्टीन फेब को तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा राइट right? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट फेब को आपने एप्लीकेशन फाइल किया टेंथ फेब को एप्लीकेशन आपको रिटर्न आया एनसीएलटी के पास कब तक का टाइम था फोर्टीन फेब तो ये जो यहां का फोर डेज होता है ना

फाइनेंशियल क्रिएटर कौन है वो भी किए थे बट पहले आते हैं टाइम वाले पे हम आप लोग एक बात स्टार्टिंग से रिपीट कर रहे हैं आईबीसी का मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इज टाइम बाउंड एनसी आईबीसी में हर चीज को टाइम बाउंड रखा गया राइट तो यहां पे जो 14 डेज का टाइम पीरियड था वो एनसीएलटी के पास एक केस में आया था जहां पे एनसीएलटी ने बोला नहीं 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 एनसीएलटी को अगर 14 डेज में होगा पॉसिबल तो 14 डेज में डिसाइड करना नहीं तो एक्सटेंड भी कर सकता है ये चीज़ आईबीसी वालों को पसंद नहीं आई उन्होंने टू में अमेंडमेंट ला दिया एंड बोला कि ठीक है एनसीएलटी सी फोर्टीन डेज़ के लिए बाउंड नहीं है उससे आगे भी बढ़ सकता है बट अगर तुम एक दिन भी एक्स्ट्रा लिए तो तुमको हर दिन का हिसाब देना होगा हर दिन का रीजनस इन राइटिंग देना होगा राइट right? ये 2019 में भी अमेंडमेंट आया था क्यों लाया गया बिकॉज एनसीए हम नहीं चाहते कि कहीं पे भी बेमतलब का टाइम वेस्ट हो अगर कोई जेनुअन रीजन है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम लेने का तो आप लिख के दो ना मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जहां पे पे रीजन नहीं है वहां पे आपको डेज में डिसाइड करना पड़ेगा राइट right? और एक लास्ट फैक्टर जो हम लोग देखे थे वो ये था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जब एप्लीकेशन फाइल करता है तो कौन कौन कर सकते हैं तो इस हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था मान लो आप लोग सब गणेश को छोड़ के आप लोग सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो ठीक है इन इस लॉट का डिफॉल्ट हुआ है इस लॉट का डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अफकोर्स ये लॉट कर सकता है बिकॉज इनका तो डिफॉल्ट हुआ है साथ ही साथ ये लॉट भी कर सकता है तो ऐसा कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसका डिफॉल्ट नहीं हुआ है बट किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर का डिफॉल्ट हुआ है तो ये वाला फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है साथ ही साथ गणेश तो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है फिर भी गणेश भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बस गणेश इनको रेप्रेजेंटेटिव इनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर एप्लीकेशन फाइल करेगा समझा ठीक है तो तीन तरह के लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनका डिफॉल्ट हुआ है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनका डिफॉल्ट नहीं हुआ है एंड कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है बट उसका बट uh, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हुए एप्लीकेशन फाइल कर रहे इतना ही देखे थे अपने यहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम सजेस्ट करना इज मैंडेटरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम यहां पे देखो सजेस्ट करना इज मैंडेटरी अगर आप सजेस्ट नहीं करते हो आपका एप्लीकेशन वापस आ जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए ये सब आपने देखा था कल जनरली लोग फिर अपील में जाते हैं वो सब नॉन होता है बट हां बिकॉज अगर मान लो आप लोग सब फाइनेंशियल क्रिएटर हो एक आपने फाइल किया आपका रिजेक्ट हो गया उन्होंने फाइल किया उनका रिजेक्ट हो गया इन्होंने फाइल किया इनका एक्सेप्ट हो जाएगा

क्योंकि सेक्शन एट बात करता है अबाउट अ नोटिस फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो अलग अलग रखा गया है कैटेगरी में उसको रखने के पीछे का रीजन यह है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर का अगर डिफॉल्ट होता है ना तो वो नेक्स्ट डे जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उसको एकदम वेट करने का जरूरत नहीं है बट अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का आज डिफॉल्ट हुआ ना तो उसको टेन डेज का नोटिस देना पड़ता है उसके बाद वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है क्यों इसके पीछे का लॉजिक मेरे हिसाब से यही है कि ऑपरेशन क्रिएटर में कौन आते हैं एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स ये रेकरिंग लोग हैं अब इनका आपको हर महीने देना है हो सकता है किसी महीने आपके दिमाग से स्लिप आउट कर गया हो सकता है ना किसी महीने दिमाग से स्लिप आउट कर गया या किसी महीने आपको कहीं से पेमेंट आना था वो आज नहीं आया कल आएगा तो आप कल देने के लिए रेडी हो मतलब आप इंसॉल्वेंट नहीं हो जस्ट दैट आपका पेमेंट कल आने वाला है तो ऐसे केसेस में हम नहीं चाहते कि कंपनी को बेमतलब का इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़े बिकॉज अगर सीआईआरपी स्टार्ट हो गया तो कंपनी का कंट्रोल तो गया ही मैनेजमेंट का कंट्रोल गया या तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी राइट तो इसीलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में हम लोग ने दिमाग में ये चीज रखा कि इनका हर महीने का झंझट है ये हर महीने पेमेंट करना है हो सकता है कभी पेमेंट करने में डीले हो जाए इसलिए हम नोटिस पीरियड देंगे दस दिन का टाइम हम देंगे कंपनी को याद दिलाएंगे कंपनी तुम्हारा पैसा बचा हुआ है दस दिन का टाइम है पैसा रिटर्न कर दो अगर वो दस दिन में कंपनी पैसा रिटर्न कर देती है तो फिर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे अगर नहीं करती है तो अपने नॉर्मल प्रोसेस से आगे निकल जाएंगे ठीक है तो चलिए यहां पे दो सेक्शंस का बात होता है सेक्शन एट सेक्शन एट लेस डाउन रूल्स रिलेटेड टू इशु ऑफ डिमांड नोटिस वो जो टेन डेज का नोटिस हम लिखते हैं ना भेजते हैं उसको बोलते हैं डिमांड नोटिस ठीक है उसको डिमांड नोटिस बोला जाता है एंड सेक्शन नाइन लेज ऑन द प्रोसीजर दैट नीड्स टू बी फॉलोड आफ्टर द डिमांड नोटिस हैज बीन इशूड ठीक है अगर आपका डिमांड नोटिस देने के बाद भी पैसा नहीं आया तो फिर आप क्या प्रोसीजर फॉलो गए वो सेक्शन नाइन में दिया गया चलिए ठीक है नाउ ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे आपको पूरा पूरा सब चीज इसी में बत, यहां पे आपको अलग से कोई भी थ्योरी लिख के नहीं दिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए पूरा चीज इस चार्ट में तो ये चार्ट अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आता है चार्ट में प्लीज मेरे से वहीं पे पूछ लेना ठीक है चलिए तो यहां पे अगेन सबसे पहले क्या होना चाहिए डिफॉल्ट अब डिफॉल्ट तो कॉमन है ना सबका डिफॉल्ट तो होना ही चाहिए आईबीसी बात ही करता है डिफॉल्ट का जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते आईबीसी के अंदर तो सबसे पहले डिफॉल्ट होना चाहिए डिफॉल्ट होने के बाद आप यहां पे एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हो आप डिमांड नोटिस भेजते हो किसको भेजोगे कंपनी को ही भेजोगे ना कंपनी से आप पैसा मांग रहे हो तो डिमांड नोटिस भेजते हो आप कंपनी को आईबीसी के स्टूडेंट्स हो कंपनी नहीं यूज करोगे इसके बाद क्या यूज करोगे कॉरपोरेट डेटर डेटर कॉर्पोरेट डेटर यहां पे कॉर्पोरेट डेटर यूज होगा ठीक है तो आप डिमांड नोटिस किसको भेजोगे कॉर्पोरेट डेटर को ठीक है नाउ सुनिए ध्यान से सुनिएगा कॉर्पोरेट डेटर के पास दस दिन का टाइम है टेन डेज का नोटिस होता है कॉर्पोरेट डेटर दस दिन में तीन चीजें कर सकते हैं या तो वो चुपचाप से आपको पैसा रिटर्न कर देगा अगर वो पैसा रिटर्न कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप भी खुश वो भी खुश सब खुश क्या आप एप्लीकेशन आगे लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे ठीक है सेकेंड चीज कॉर्पोरेटर क्या कर सकता है वो आपको एक प्रूफ दिखा सकता है कि भाई नॉनसेंस बंद करो पेमेंट हो चुका है तुमको ये रहा उसका प्रूफ तो अगर वो आपको रीपेमेंट का प्रूफ ही दिखा दिया तो भी क्या आप एप्लीकेशन आगे लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे तो ये दो चीज कर सकता है तीसरा चीज कॉर्पोरेटर ये कर सकता है कि वो दिखा सकता है कि देर इज अ डिस्प्यूट डिस्प्यूट बोले तो आप अपने नोटिस में लिखे हो कि आपको अभी पांच लाख रुपया बाकी है कंपनी से कंपनी बोल रही है पांच लाख नहीं है तीन ही लाख बाकी है डिस्प्यूट हो गया तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है जो आप लीगली कोर्ट में ऑलरेडी फाइल कर चुके हो वो दिखाना पड़ेगा ऐसे नहीं कि नहीं नहीं तुम पांच बोल रहे हो हम तीन बोल रहे डिस्प्यूट है वैसा नहीं प्रॉपर लीगल डिस्प्यूट है आप उसका एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस शो कर दो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि पहले कोर्ट डिटरमिन तो करेगी ना कितना पैसा देना है तभी ना पैसा दोगे समझ आ रहा है ठीक है तो कॉर्पोरेटर तीन चीजें कर सकता है या तो रीपे कर दो दस दिन के अंदर कोई बात नहीं एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा या तो पहले जो रीपे किया हुआ है उसका प्रूफ दिखा दो प्रूफ कैसे दिखाओगे आप अपना पासबुक का कॉपी दिखा दो कि मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में इतना रुपए डेबिट हुआ है या आप चेक जो दिए थे उसका कॉपी दिखा दो और दिखा दो चेक क्लियर हो चुका है कुछ भी तरह का प्रूफ दिखा दो इंटरनेट ट्रांजेक्शन था तो उसका प्रूफ दिखा दो मतलब प्रूफ दिखाना है कि रीपेमेंट हो चुका है या फिर आप ये चीज दिखा दो कि आप पांच लाख रुपया, रुपया बोल रहे हो हम तीन लाख रुपया बोल रहे इज अ डिस्प्यूट एंड ए डिस्प्यूट इज पेंडिंग इन अ कोर्ट तो जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक हम आपको एनी वे पैसा नहीं दे सकते ना वॉट इफ कोर्ट आगे जाकर डिसाइड करे तीन लाख है हम आपको अभी से पांच लाख देकर रख जाए मेरा तो दो लाख फंस जाएगा राइट right? तो आप ये तीन चीज दिखा सकते हो अगर कॉर्पोरेट डेटर ने दस दिन के अंदर ये तीनों में से कोई भी एक चीज दिखा दिया तब ऑपरेशनल क्रेडिटर आगे एप्लीकेशन लेके नहीं जा सकते वो उनको वहीं पे रुकना पड़ेगा वो आगे लेके किसी भी हालत में नहीं जा सकते अगर दस दिन के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया ये तीनों में से ना तो रीपे किया ना प्रूफ ऑफ रीपेमेंट दिखाया ना प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट दिखाया और दस दिन खत्म हो गया तब ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन आगे एनसीएलटी के पास डाल देंगे समझा सेक्शन एट समझा क्या होता है तो सेक्शन एट में डिफॉल्ट हुआ डिफॉल्ट होते के बाद आप डिमांड नोटिस भेजते हो किसको भेजोगे कॉर्पोरेट डेटर को डिमांड नोटिस भेजोगे कॉर्पोरेट डेटर अब तीन चीजें कर सकता है या तो रीपे करेगा या पहले जो रीपे किया है उसका प्रूफ दिखाएगा या फिर डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस दिखाएगा अगर तीनों में से कोई भी एक चीज कर दिया बात वहीं खत्म हो जाती है आप एनसीएलटी के पास नहीं जा सकते ठीक है बट अगर तीनों में से कुछ भी नहीं करता है दस दिन के अंदर तो आप एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करते हो ठीक है तो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोसेस अपना सेम होता है देखो यहां पे आप एप्लीकेशन फाइल करते हो एनसीएलटी के पास एनसीएलटी के पास 14 डेज है टू असर्टेन सर्टेन एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट अगर वो सैटिस्फाइड है कि डिफॉल्ट हुआ है तो एडमिट कर लेगा अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि डिफॉल्ट हुआ है तो रिजेक्ट कर लेगा दोनों केस में सेवन डेज के अंदर बताना पड़ता है तो सेक्शन नाइन इज सिमिलर टू सेक्शन सेवन राइट सेक्शन एट अपने को समझना था सेक्शन एट सबको समझ में आया डिमांड नोटिस वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया किसी को भी कोई भी पॉइंट में डाउट है किसी को भी कहीं पे भी डाउट नहीं है no, नौ सुनो यहां पे एक पॉइंट आपने डिमांड नोटिस भेजा है सामने वाले ने रीपे नहीं किया है सामने वाले ने या फिर रीपेमेंट का प्रूफ नहीं दिखाया है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट नहीं दिखाया यह बात एनसीएलटी को कैसे पता चलेगा एनसीएलटी के पास आप जब एप्लीकेशन लेके जाओगे तो आपको एनसीएलटी को बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ हमने सेक्शन एट का पूरा फॉलो किया था जब तक वो नहीं बताओगे एनसीएलटी कैसे बात मान लेगी आपका तो आप एनसीएलटी को कैसे प्रूव करोगे कि आपने डिमांड नोटिस दिया था आपने डिमांड नोटिस का आपको कोई रिप्लाई नहीं आया कोई रीपेमेंट नहीं आया कोई डिस्प्यूट नहीं आया ये बताना जरूरी ना एनसीएलटी को तो आपको यहां पे एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हो तो आपको एप्लीकेशन के साथ एक डिमांड नोटिस जो आपने भेजा था उसका कॉपी चिपकाना पड़ेगा प्रूफ के जैसे कि देखो हमने डिमांड नोटिस भेजा था साथ ही साथ आपको एफिडेविट में लिख के देना पड़ेगा कि रीपेमेंट नहीं हुआ है और कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट का मेरे बारे में मेरे मेरे को कोई भी खबर नहीं दिया गया दस दिन में जो खबर देना था मेरे को ये दस दिन में कोई भी खबर नहीं दिया गया है साथ ही साथ आपको अपने उस बैंक अकाउंट का कॉपी भेजना पड़ेगा का स्टेटमेंट का कॉपी जहां पे आपका सैलरी आता था मान लो अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका सैलरी आता था तो आपको दिखाना होगा देखो रिपेमेंट भी नहीं हुआ है समझा तो आपको ये तीन चीज दिखाना होता है यहां पर आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना कंपल्सरी नहीं है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम सजेस्ट करना कंपल्सरी नहीं होता क्योंकि देखिए सिंपल रीज़न है हम जब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का बात कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं या तो बड़े बड़े बैंक्स होंगे या फिर डिबेंचर होल्डर्स होंगे तो उनके पास डिबेंचर ट्रस्टी होता है या कोई अगर बॉन्ड होल्डर्स होंगे तो उनका अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है सो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जनरली ऐसा मान के चलते हैं हम लोग कि वो इंसान है जिनको बहुत नॉलेज है जिनको बहुत रिसोर्सेज है जिनका बहुत अच्छा पहुंच है राइट right? तो वो कोई वो वो अच्छे से अपॉइंट कर सकते हैं किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऑन दी अदर हैंड ऑपरेशनल क्रेडिटर में तो भाई एक छोटा सा एम्प्लॉय भी आ सकता है अब हर एम्प्लॉय तो नहीं जानता होगा ना किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम तो हम अनड्यू बर्डन नहीं देना चाहते एम्प्लॉयज को या सप्लायर्स को तो उनके लिए हम लोग ने ऑप्शनल रखा है अगर आपका मन है तो आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दो अगर आपको नहीं पता कोई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम तो आप मत दो कोई बात नहीं ठीक है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर का एक डिफरेंस ये भी होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम सजेस्ट करना मैंडेटरी है ऑपरेशनल क्रेडिटर को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम सजेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है क्लियर हुआ मतलब सी डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट उसी इंसान के साथ होना चाहिए जिसने फाइल किया है आफ्टर फाइलिंग जिनका नहीं होता है उनका फिर जब अपने क्लेम्स कलेक्ट कर रहे होते ना उस समय उनका फिर ट्रीटमेंट uh, दिया जाता है उनका कलेक्ट करना है कि नहीं करना है वो उस समय देखा जाता है यहां राइट नाउ एप्लीकेशन स्टेज पे जो इंसान एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसका डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए उसके लिए डिस्प्यूट होना इज अ बार ठीक है अफकोर्स देर विल बी पीपल जिनका डिस्प्यूट होगा किसी ना किसी के साथ तो होगा ना कंपनी का डिस्प्यूट तो वैसे लोग आते बाद में तो उनका हम कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते वक्त फिर देखते है क्या करना है जॉइंट एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है समझा सबको जॉइंट आप हाँ जितने एप्लीकेंट्स से डिस्प्यूट उनके साथ नहीं होना चाहिए एक भी एप्लीकेंट्स के साथ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए ठीक है इसका सिंपल रीजन ये है कि अपने मिनिमम लेवल ऑफ डिफॉल्ट रखे हुए मान लो अपन चार लोग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइस ट्वेंटी फाइज ट्वेंटी फाइफ और को कंपनी ओ करती थी हम लोग चार लोग मिलके एक लाख का डिफॉल्ट दिखा रहे हैं उसमें से मान लो अगर एक इंसान का भी पच्चीस हजार अभी सर्टन नहीं है व्हाट इफ़ पच्चीस का बीस हो गया एक लाख तो नहीं पहुँचेगा ना अपना इसीलिए अपने डिस्प्यूट नहीं रहने देते वहाँ पे समझा सबको ठीक है चलिए तो यहाँ पे आ, या सी द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन नाइन इज नॉट रिक्वायर टू मैंडेटरली सजेस्ट द नेम ऑफ एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जरूरी नहीं होता है सबको ये प्रोसेस समझ में आया ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का प्रॉपर समझ में आया कुछ नया नहीं था डिमांड नोटिस वाला पार्ट वॉज द ओनली थिंग जो नया था ठीक है

डन यहां तक समझ आया सबको चलो फटाक से देखते हैं सेक्शन टेन कि एक कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को जब एप्लीकेशन फाइल करना होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है कुछ भी नया नहीं है सेक्शन सेवन का जो प्रोसीजर है एग्जैक्टली exactly वही प्रोसीजर है सेम एकदम बस जो अपने एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है ठीक है तो देखिए सेक्शन टेन के अंदर भी सबसे पहले क्या होना चाहिए सबसे पहले डिफॉल्ट होना चाहिए डिफॉल्ट होते के साथ आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को भी वेट करने की जरूरत नहीं है दस दिन का नोटिस पीरियड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या ही ही चीज किसको नोटिस नोटिस भेजेगा भेजेगा खुद दिन के अंदर पे कर दो तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के लिए नोटिस पीरियड नहीं रखते हम लोग कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का डिफॉल्ट हुआ उनको मन है खुद से जाके फाइल करने का आप जाके नेक्स्ट डे फाइल कर सकते हो ठीक है नौ यहां पे उसके बाद 14 डेज होता है एनसीएलटी के पास टू असर्टेन द डिफॉल्ट अगर एनसीएलटी इज कन्विंस की डिफॉल्ट है तो एनसीएलिट दी एप्लीकेशन अगर NCLT को लगता है कि डिफॉल्ट है तो इट विल रिजेक्ट दोनों केस में कम्युनिकेट करना पड़ता है विदिन सेवन डेज यहां तक तो प्रोसीजर सेम एकदम यहां पे डिफरेंस कहां पे आता है बस जो अपने को डॉक्यूमेंट जमा करना है तो यहां डॉक्यूमेंट्स क्या जमा करना है देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी अगर कंपनी एप्लीकेशन फाइल कर रही है या कंपनी का सी एफ ओ एप्लीकेशन फाइल कर रहा है या एम डी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस तो रहेगा ही ना इन लोगों के पास तो हमेशा ही रहेगा तो हम उनको बोलते हैं भाई मेरे को कहीं इधर उधर से प्रूफ नहीं चाहिए तुम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ला के दो ठीक है तो उन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना पड़ता है उनके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम सजेस्ट करना मैंडेटरी है अगेन क्यों सेम लॉजिक क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनीज के पास इतना रिसोर्सेज होता है कि वो किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम खोज पाए ठीक है तो इनके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम सजेस्ट करना इज मैंडेटरी एंड थर्ड उनको अगर कॉर्पोरेट डेटर के नाम पे जा रहे अगर वो कंपनी के नाम पे जा रहे तो ऑफ ऑफकोर्स आपको शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन दिखाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के से जो का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यही डिफरेंट है जो सेक्शन सेवन एंड सेक्शन टेन के बीच में डिफरेंस है ठीक है सेक्शन सेवन में जो अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं वो होता है रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन टेन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन पासड बाई शेयर होल्डर्स ठीक है इसके अलावा कुछ डिफरेंट नहीं है पूरा प्रोसेस सेम है ठीक है इसीलिए हम सेक्शन सेवन का डिस्कशन में इतना टाइम कर लगाए थे बिकॉज अगर आपको सेक्शन सेवन का प्रोसेस समझ में आ जाता है आपको एट सॉरी नाइन एंड टेन खुद से आ जाता है एट बस डिमांड नोटिस का है अच्छा ये चीज याद रखिएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर में भी अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा आपके पास सेवन डेज का टाइम होता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो रिटर्न कर देंगे सेवन डेज का टाइम होता है टू रेक्टिफाई एंड गिव इट बैक एक बस यहां पे हल्का सा डिफरेंस सुनिए ध्यान से या आप लोग खुद ही बताइए फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एलिजिबल है एलिजिबल नहीं है तो क्या एप्लीकेशन रिटर्न किया जाएगा किया जाएगा बोला जाएगा किसी एलिजिबल का नाम बताओ अगर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल की है और उसका भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एलिजिबल है तो क्या एप्लीकेशन रिटर्न किया जाएगा वापस सुनो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने फाइल किया है सेक्शन टेन के अंदर और उसने जिस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोफेशनल का नाम दिया है वो इन एलिजिबल है तो क्या एप्लीकेशन रिटर्न किया जाएगा एप्लीकेशन इस केस में भी रिजेक्ट किया जाएगा बोला जाएगा किसी एलिजिबल इंसान का नाम दो ठीक है अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल किया है और रेजोल्यूशन प्रोफेशन एलिजिबल है तो उस केस, में, उस केस में हम रिटर्न नहीं करते बिकॉज उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है ठीक है बिकॉज फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के लिए मैंडेटरी है तो हम तुम अगर गलत इंसान का नाम दोगे वापस कर देंगे एप्लीकेशन सही इंसान का नाम डाल के दो मेरे को ठीक है बट अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने किसी भी इंसान का नाम दिया और वो इन एलिजिबल निकला हम कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं ऐसे भी तुम्हारे लिए ऑप्शनल था चलो तुमने इतना कष्ट लिया बहुत बड़ी बात है ठीक है कोई बात नहीं इसके आगे हम देख लेंगे क्या करना है ठीक है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में एप्लीकेशन रिटर्न नहीं किया जाता है साची अगर वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज इन एलिजिबल बाकी सब में किया जाता है ठीक है सबको समझ आया सेवन एट नाइन टेन एकदम क्लियर कट डिस्टिंगशन समझ में आ रहा है तैयारों के बीच में नहीं, तब नहीं दैट वाज़ द रीजन ना कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एंड कॉर्पोरेट डेटा वाला समझा सबको तीनों तीनों का क्या पूरा पेटिशन का प्रोसेस है पक्का मैम आप लोग को समझ में आ रहा है ये प्रोसेस समझ में आया ना इसके पहले का नहीं आया होगा ये समझ में आया ना ठीक है नहीं उसको नहीं वही वही रुतुजा ने भी पूछा उनको नहीं सबमिट करना पड़ता है बिकॉज अगर उनको भी हम बोले रेजोल्यूशन सबमिट करो तो फिर मेरे को वापस वो पूरा ट्वेंटी वन डेज का नोटिस एंड जनरल मीटिंग कराना पड़ेगा उसी चीज को तो अवॉइड करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया था तो उनको जब सबमिट करना जरूरी नहीं है वो केवल जब आप कॉरपोरेट डेटर के नाम पर जाते हो तब जरूरी होता है ठीक है चला चलेगा सबको चलिए तो यहां पे हम लोग का पहला सेगमेंट जो था पूरे प्रोसेस का वो हो गया खत्म एप्लीकेशन फाइल करना एप्लीकेशन कब एक्सेप्ट होता है कब रिजेक्ट होता है बट इसके साथ अभी दो सेक्शंस और पढ़ने बाकी तीन सेक्शंस और पढ़ने बाकी सेक्शन इलेवन सेक्शन ट्वेल्व एंड सेक्शन ट्वेल्व ठीक है नाउ सेक्शन इलेवन जो है अभी तक अपने बात कर रहे थे कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सेक्शन इलेवन ने कुछ लोगों का नाम दिया जो बोलता है ये लोग एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते ठीक है सेक्शन 11 में जाने के पहले यहां देखिए आपके नोट्स में लिखा है डिफॉल्ट बेस्ड टेस्ट इसका मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब यही है कि जब तक डिफॉल्ट नहीं हो जाए तब तक आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते जो हम तब से बोल रहे हैं ना कि डिफॉल्ट होगा उसके बाद ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफॉल्ट बेस्ड टेस्ट ठीक है तो ये अपने को पता है आपने देख चुके क्या है चलो है यहां पे अब सेक्शन इलेवन अभी तक सिक्स सेक्शन सिक्स बोला कौन कौन फाइल कर सकते हैं सेवन एट नाइन टेन ने पूरा प्रोसीजर बता दिया अब सेक्शन इलेवन बोलता है कौन कौन फाइल नहीं कर सकते तो ऐसे चार लोग हैं जिनको एप्लीकेशन फाइल करने से हम रोक के रखे उनको बार लगा दिया गया पहला होता है वैसा कॉरपोरेट डेटर जिसका खुद का सीआईआरपी चल रहा है बेसिक लॉजिक अगर भाई तुम अपना पहले संभाल लो उसके बाद किसी और के लिए एप्लीकेशन फाइल करते रहना राइट तो ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट डेटर है जिसका खुद का सीआईआरपी चल रहा है वो किसी और कंपनी के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता समझा ठीक है अगर मान लो जैसे पुणे में कोई क्लासेज निकल जाके उनका सीआईआरपी स्टार्ट हो जाए अगर दिवाला निकल जाए तो वो किसी और के क्लास के लिए फाइल नहीं कर सकता ठीक है उनको पहले खुद का ही खत्म करना पड़ेगा समझा चलो ठीक है सेकेंड होते हैं ऐसे कॉर्पोरेट डेटर्स जिनका पिछले 12 महीने में कभी सीआईआरपी खत्म हुआ है समझ आया सबको ठीक है तो अगर आपका पिछले 12 महीने में भी सीआईआरपी खत्म हुआ है तो भी आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते यह वाला समझा बस एक बार लगाया वह कि मतलब भाई तुम पहले खुद से ठीक से ऑपरेट तो हो अभी अभी कंट्रोल चेंज हुआ है अभी सब नया आया है तुम्हारे उसमें पहले उससे अकस्टम्ड हो जाओ ठीक से चलो फिर दूसरों की बजाना जाके पहले खुद से तो ठीक से रहो समझा ठीक है थर्ड वैसे कॉर्पोरेट डेटर्स जिनका लिक्विडेशन चल रहा है सेम लॉजिक खुद का तुमसे संभला नहीं खुद को डुबा दिए चले दूसरे को भी डुबाने के लिए तो वैसे कॉर्पोरेट डेटर्स को भी हम अलाउ नहीं करते ये तीन समझा तो वो डेटर्स जिनका सीआईआरपी चल रहा है जिनका सीआईआरपी पिछले बारह महीने में कंप्लीट हुआ है कभी भी एंड जिनका लिक्विडेशन चल रहा है ठीक है चौथा कैटेगरी है वैसा डेटर या वैसा फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने पिछले 12 महीने में कोई रेजोल्यूशन पास रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ है उसके किसी टर्म्स को वायलेट कर दिया है मतलब मान लीजिए हम लोग कंपनी एक्स के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे कंपनी एक्स का पिछले 12 महीने में कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया अब रेजोल्यूशन प्लान में लिखा रहता है कि ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन है हम लोग ने मिलकर उन कंडीशन को ब्रीच कर दिया तो अब हम किसी के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते जिस इंसान ने ब्रीच किया है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता क्यों इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप किसी और के प्रोसेस के रेजोल्यूशन का जो रिजल्ट में जो रेजोल्यूशन प्लान आया उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते उसका आपके सामने कोई भाव नहीं है तो हम आपको वापस इनिशिएट करने नहीं देंगे आप इस प्रोसेस को अगर रिस्पेक्ट कर रहे होते तो आप इतना आसानी से ब्रीच नहीं करते ना कोई भी कंडीशन रेजोल्यूशन प्लान का समझ आ रहा है सविता ब्लैंक लुक क्यों दे रहे हो लास्ट वाला प्लान समझिए ये वाला पॉइंट डिस्कस करें अपने हाँ एक कंपनी है कंपनी एक्स कंपनी एक्स का अभी क्या चल रहा है जान चल रहा है ना लेट्स से सितंबर में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था ठीक है आप सब उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो आप सब ने उस रेजोल्यूशन प्लान का जो अप्रूव हुआ था उसका कोई कंडीशन वायलेट कर दिया या ब्रीच कर दिया तो अब आप जाके किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी इनिशिएट नहीं करा सकते फॉर 12 मंथ्स जिस समय ब्रीच किया उससे लेके 12 महीने तक आप नहीं करा सकते इनिशिएट इसका लॉजिक ये है कि अगर तुमने उस रेजोल्यूशन प्लान को रिस्पेक्ट नहीं किया उसके कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं किया क्या जरूरी है कि तुम इस वाले को रिस्पेक्ट करोगे तुम्हारे लिए तो मजाक बन गया है बस एप्लीकेशन डालते जाओ सीआरपी स्टार्ट करो जो प्लान निकल रहा है उसको रिस्पेक्ट मत करो ऐसे हम नहीं अलाउ कर सकते राइट तो ऐसा कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉरपोरेटर दोनों ने अगर पिछले 12 महीने में किसी भी प्लान का कोई भी कंडीशन को ब्रीच किया है तो वैसे लोग एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते समझ आया ऋतुजा अभी भी कंफ्यूजन है पक्का समझ आया चारों में से कोई भी पॉइंट में डाउट है तो अभी पूछ लो सबको समझ आया कौन चार लोग नहीं कर सकते ठीक है तो कॉर्पोरेट ऐसा कोई कॉर्पोरेटर जिसका सीआईआरपी चल रहा है ऐसा कोई कॉर्पोरेट डेटा जिसका पिछले 12 महीने में कभी सीआरपी कंप्लीट हुआ है ऐसा कोई कॉर्पोरेट जिसका लिक्विडेशन चल रहा है या फिर ऐसा कोई कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने पिछले बारह महीने में वायलेट किया है किसी भी रेजोल्यूशन प्लान के कंडीशन को तो हम इन लोग को अलाउ नहीं करते यह है सेक्शन इलेवन सबका लॉजिक समझा क्यों नहीं करते ठीक है चलिए अब आता है आईबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सबसे मतलब हैंड्स डाउन आईबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आईबीसी को पूरा पार देता है दैट इज सेक्शन ट्वेल्व आईबीसी का लॉन्ग टाइटल बताना इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कार्पोरेट पर्सन इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल इन अ टाइम बाउंड मैनर यह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड का लॉन्ग टाइटल है यह एक एक्ट है जिस जो बाकी लॉस को कंसॉलिडेट किया है अमेंड किया है सो दैट कॉरपोरेट पर्सन पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया जाए इन अ टाइम बाउंड मैनर तो उसका सबसे इंपोर्टेंट पार्ट क्या था टाइम बाउंड मैनर मतलब आईपीसी में एवरीथिंग इज बाउंड बाय टाइम हर चीज को हमने टाइम से बाउंड कर दिया है हम स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से चीज बोलते आ रहे टाइम 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 बाउंड 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 कहां लिखा है कितना टाइम बाउंड किया है सेक्शन ट्वेल्व में इसीलिए सेक्शन ट्वेल्व सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन ट्वेल्व क्लियर कट लिख के बोलता है एक बार सीआईआरपी इनिशिएट हो गया मतलब एक बार आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन से लेके 180 डेज होता है 180 डेज में आपको एनसीएल से प्लान अप्रूव करवा लेना है अगर आपने 180 डेज में एनसीएलटी से प्लान अप्रूव नहीं कराया द कंपनी विल बी लिक्विडेटेड सिंपल इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से जिस दिन प्लान एक्सेप्ट हुआ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से वन डेज ठीक है नाउ वन डेज मतलब छह महीना इन इफेक्ट तो छह महीना काफी टाइम होता है ठीक है छ महीने में आपका प्लान जनरली अप्रूव हो जाना चाहिए बट वॉट इफ छ महीने में प्लान अप्रूव नहीं हुआ नॉर्मल रूल तो ये बोलता है कि द कंपनी विल गेट लिक्विडेटेड राइट बट हम लोग ने बोला कि यार इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा एक बार का एक्सटेंशन दे देते क्योंकि कई बार ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स हो जाते हैं कि टाइम अपने को चाहिए रहता है ज्यादा फॉर एक्साम्पल जेट हैवेज इतनी बड़ी कंपनी का छह महीना में कैसे आप पूरा कंप्लीट करोगे सीआईआरपी पता है ना का चल रहा था अभी तो Airways, इतनी बड़ी कंपनी उसका छह महीने में सीआईआरपी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है तो आईबीसी वालों ने सोचा कि यार थोड़ा सा एक्सटेंशन का एक कोई प्रोविजन रख लेते हैं तो उन्होंने बोला चलो एक्सटेंशन दे दो बट अगर हम ऐसा प्रोविजन रखते कि एनसीएलटी उतना एक्सटेंशन दे सकता है जितना उसको मन है या जब उसको लगता है कि फेयर होगा एक्सटेंशन देना तो वो दे सकता है तो फिर बैंड बच जाती फिर तो टाइम बाउंड बचता ही नहीं ना क्योंकि आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया

आपका मान लो 180 डेज का टाइम पीरियड था खत्म हो गया आप गए एक्सटेंशन मांगने के लिए आपने बोला एनसीएलटी मेरे को एक्सटेंशन चाहिए एनसीएलटी ने बोला ठीक है चलो 60 डेज का एक्सटेंशन हम तुमको दे दे रहे सिक्स जीरो ठीक है आप मस्त खुश होकर घर चले गए प्रोसेस आपका 60 डेज तक चलता रहा जो एक्स्ट्रा सिक्सटी डेज मिला उसके एंड में भी आपका प्रोसेस खत्म नहीं हो पाया आप फिर एनसीएलटी के पास पहुंच गए बोले मैक्सिमम कितने दिन का दे सकते थे नाइनटी दिया कितने दिन का सिक्सटी बचा हुआ कितना दिन है थर्टी तो मेरे को थर्टी डेज कालटी बोलेगा नहीं दे सकते क्यों? मिलता है एक एक बार बार में में जितना extension मिला उतना ही मिलेगा बस अब चाहे मान लो extension आपको NCLT ने एक बार में दिन का कर दिया होगा ना तो आप एटी फाइव डेज और नहीं मांग सकते वन टाइम ही मिलेगा एक बार में जितना एक्सटेंशन चाहिए मांगो एक बार में जितना एक्सटेंशन मिल रहा है बस उससे आगे कुछ नहीं ठीक है तो जनरली एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस 90 डेज का ही दे देते बार में कि झंझट खत्म हुए बट दैट इज अटर ऑफ प्रैक्टिस समझा आपको ठीक है तो ये है अपना टाइम लिमिट अगर मान लो 180 डेज या फिर एक्सटेंडेड टाइम में आपका कंप्लीट नहीं हुआ द कंपनी विल गेट लिक्विडेटेड चलो यहां तक समझ में आ गया अब आपको मैं एक रियल लाइफ सिनारियो बता रहे है. एक कंपनी थी एस आर स्टील लिमिटेड एस इंडिया लिमिटेड एस आर स्टील लिमिटेड ठीक है Limited, उसका सी स्टार्ट हुआ था CIRP स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2018 आई थिंक 17 या 18 17 शायद ठीक है 17 एंड या 18 में कभी उसका CIRP स्टार्ट हुआ था उसका CIRP खत्म कितने दिन में हो जाना चाहिए था 180 डेज चलो मान लो 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया मतलब 270 डेज कितने मंथ्स हुए 270 डेज मतलब 9 मंथ्स नियर अबाउट 9 मंथ्स तो किसी भी हालत में 2018 के एंड तक तो खत्म हो ही जाता उसका सीआरपी खत्म हुआ 2019 एंड में कैसे इतना लंबा खिंचाया सीआरपी खत्म हुआ 2019 end में अभी हुआ कुछ दिन पहले कैसे इतना लंबा है दो साल तक कैसे खिंचा सकता है जब इतना क्लियर कट प्रोविजन बनाया हुआ है सेक्शन 12 में 180 मैक्स टू मैक्स 180 प्लस 90 तो कहां से आ गया ये बीच का इतना दो साल का गैप एग्जैक्टली exactly, यही हुआ तो क्या होता है मान लो आपका प्रोसेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है हमने प्रोसेस के लिए टाइम लिमिट लगाया है वॉट इफ प्रोसेस के बीच में कोई झगड़ा हो गया आप चले गए कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी के पास भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या आप एनसीएलटी फिर एनक्लाट फिर आ, सुप्रीम कोर्ट जाते हो मान लो आप एनक्लाट एनसीएलटी चले गए ठीक है तो जितना टाइम वो झगड़ा सॉल्व करने में एनसीएलटी लेगा उतना टाइम आपका ये प्रोसेस तो नहीं चल पाएगा ठीक है तो उतना टाइम यहाँ फ्रीज हो जाता है अब समझो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल एस में क्या हुआ था रेजोल्यूशन प्लान मंगवाने तक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देने तक सब ठीक चल रहा था रेजोल्यूशन प्लान भी आ गए दो लोगों ने दिया मित्तल करके एक कंपनी थी उसने एंड न्यूमटल करके एक कंपनी थी उसने दोनों कंपनीज ने पहला चेक क्या होता है एलिजिबिलिटी कौन चेक करता है आरपी आरपी ने दोनों प्लान को इन एलिजिबल बोल दिया आरपी ने बोल दिया दोनों प्लान इन एलिजिबल है रसेलोर मित्तल एंड न्यूमेटल जो दोनों रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे दोनों छिड़ गए इस बात, इस बात से दोनों ने बोला हम एलिजिबल नहीं है नौ यहां आरपी बोल रहा है हम एलिजिबल तुम लोग एलिजिबल नहीं हो और ये दोनों बोल रहे हैं हम एलिजिबल है है सॉरी ये लोग दोनों बोल रहे हैं एलिजिबल है झगड़ा हो गया अब जब तक ये चीज डिसाइड नहीं होगा कि एलिजिबल है कि नहीं क्या प्रोसेस आगे बढ़ सकता है नहीं तो आरसेल और मित्तल पहुंच गया एनसीएलटी ठीक है एनसीएलटी ने कुछ डिसाइड किया उसके अपील में हम चले गए एन एनक्लैट ने कुछ डिसाइड किया उसके अपील में हम चले गए सुप्रीम कोर्ट तो ये जितना दिन एनसीएलटी एनक्लैट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले रहे थे अपना उतना दिन तक मेरा सीआईआरपी तो फ्रीज कर जाएगा बिकॉज जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे ये एलिजिबल है कि नहीं हम कैसे आगे लेके जाए प्रोसेस को समझा आपको ठीक है तो ये प्रॉब्लम आ रहा था लोग इस चीज को बोलते हैं लिटिगेशन में चल जाना लोग बीच में लिटिगेशन में चल जा रहे थे कोई पॉइंट को लेके जिसकी वजह से मेरा सीआईआरपी रुक जा रहा था समझा और आप लॉजिकली सोचो तो पॉसिबल ही नहीं है ना आगे आर जाने का व्हाट इफ मान लो हम सीआरपी लेके आगे बढ़ गए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दोनों एलिजिबल है गड़बड़ हो जाएगा ना तो जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसाइड नहीं करता एलिजिबल है कि नहीं प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकता तो प्रोसेस वहीं फ्रीज हो जाता है तो अभी भी तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम बाउंड मैनर यू नो न्यूट्रलाइज हो गया ना थोड़ा कम हो गया ना यही प्रॉब्लम आईबीसी वालों ने फेस किया अब इस चीज से वापस वो लोग चढ़ गए चिढ़ गए आईबीसी वाले ने बोला ये क्या नॉनसेंस चला के रखे हो हम एक तरफ आपको टाइम बाउंड कर रहे आप दूसरा तरीका निकाल ले रहे हो इसको एक्सटेंड करने का मेरे को कराना ही नहीं है एक्सटेंड मेरे को हर चीज टाइम बाउंड रखना है इस चीज को कर्व करने के लिए टू में वापिस अमेंडमेंट आया था उसमें उन्होंने बोला कि जो भी हो जाए टोटल टाइम पीरियड एक सीआईआरपी का थ्री थर्टी डेज से ऊपर नहीं जाएगा ठीक है तो मतलब टू सेवेंटी आपका नॉर्मल है सिक्सटी डेज हम आपको लिटिगेशन के लिए दे दिए चलो सिक्सटी डेज में आप लड़ते रहो एनसीएलटी, एनसीट सुप्रीम कोर्ट जहां जहां में जाओ उससे अलावा एक दिन एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला mm -hmm. क्योंकि हम लोगों ने कवर कर दिया ना देखो पे लिखा हुआ है। दस यार बी कंप्लीटेड विद इन थ्री थर्टी डेज ठीक है तो CIRP के लिए अभी भी 270 ही है मैक्सिमम 180 एट्टी प्लस 90 जो एक्स्ट्रा 60 डेज है ना वो लिटिगेशन के लिए तो अगर आपकी कंपनी लिटिगेशन में नहीं जा रही तो आप आके ये नहीं बोल सकते मेरे को 60 डेज और दो 330 तक का टाइम है CIRP के लिए 270 डेज तक का ही टाइम है जो एक्स्ट्रा 60 डेज है वो लिटिगेशन के लिए है समझ आ रहा है लिटिगेशन और इसमें डिफरेंस जो अपने थ्री डेज बोल रहे ना आपके प्रोसेस के लिए अभी भी 270 ही मैक्सिमम डेज़ है जो एडिशनल 60 डेज है वो लिटिगेशन के लिए है, सो so, मान लो आपके सीआरपी में कोई भी लिटिगेशन में नहीं गया तो आप एनसीएलटी पास जाके नहीं बोल सकते हो मेरे को 330 डेज दो वहाँ पे आपको 270 मिलने वाला है समझा कोर्ट उसमें रिजल्ट नहीं देगा मैटर वहीं डिसमिस हो जाएगा केस डिसमिस हो जाएगी कोर्ट क्या करेगा उस को आगे ले जाके और फिर गड़बड़ हो जाएगा ना बिकॉज एनसीएलटी यहां पर लिक्विडेशन ऑर्डर दे देगा कोई और कोर्ट कुछ ऑर्डर कोर्ट विल डिसमिस द मैटर इसको लूपोल जैसे कैसे यूज करोगे तो लूप को कर्ब किया गया लूपोल को हटाने के लिए प्रोविजन डाला गया हम्म hmm? तो वही टाइम फ्रीज भी मैक्सिमम थ्री थर्टी डेज ही होगा ना आपका तो मैक्सिमम थ्री थर्टी है मैक्सिमम लिमिट हम लगा दिए ना टाइम बाउंड तो अभी भी कर दिए चल टू सेवेंटी नहीं थ्री थर्टी सिक्सटी डेज और दे दिया आपको खेलो उसमें कोट कोट तो सर, कौन से भी पे आ सकती है किसी भी पॉइंट पे आ सकती है यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा तो पंद्रह दिन में करो जो करना है दैट इज द होल पॉइंट ना इसी चीज लिए तो ताकि लोग हड़बड़ाए चीजों को फास्ट करने के लिए नहीं तो लोग बहुत लेट बैक हो जाते यही सीका में प्रॉब्लम था ना एनसीएल टी इज नॉट स्लो एनसीएल इज वेरी फास्ट विद इट्स रिजल्ट तो इसमें कोर्ट कौन सा आएगा सुप्रीम कोर्ट ही आएगा आप सुप्रीम कोर्ट सो सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोविजन वेर इन यू कैन गो एंड टेल दम की दिस मैटर इज अर्जेंट एंड इसको अर्जेंट लिस्टिंग में डालो यू कैन गो एंड टेल दम तो उस केस में आपके मैटर को अर्जेंटली हेयर किया जाता है तो आप लोग कैसे लगता है ये जो ये सारे पटिशन क्यूरेटिव पटिशन डालते हैं ये जो हैंंग हैंग होने वाले लोग उन्होंने लो क्यूरेटिव पटिशन डाला वो तो तुरंत डिसाइड हो गया डिसमिस हो गया कैसे हुआ हम लोग अर्जेंट प्ली डाल देते हैं कि ये मैटर अर्जेंट है इसको जल्दी सुनो तो कोर्ट सुतना कंसिडर करते हैं नहीं तो अगर नॉर्मल लाइन में ये आने लग जाता तब तो कितना ही पीछा था क्यूरेटिव पटिशन जो ये निर्भया केस वाले जिनको हैंग करने वाले कैसे डिसमिस हो गया प्ली इतना जल्दी बिकॉज पटिशन डाल दिया था ये प्ली डाल दिया था नहीं लिटिगेशन सारे कंपनीज नहीं करते ना ये तो लिटिगेशन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे बाकी मामला तो नीचे ही खत्म हो जाता है समझ आया टाइम बाउंड वाला ये 180, 270 और 330 का डिफरेंस समझ आ रहा है ना सबको सी के लिए टाइम अभी भी कितना है 180 एट्टी टाइम 180 है एक्सटेंशन मिलेगा तो 90 डेज का टोटल 270. 330 थ्री इज इन द केस ऑफ लिटिगेशन ठीक है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है चलिए तो आई थिंक अच्छा ये हो गया सब सबको समझा टाइम लिमिट एक जो लास्ट अपना एक सेक्शन पढ़ना है वो है सेक्शन ट्वेल्व ए इस सेक्शन का खासियत क्या है बताइएगा हट विड्रॉल <laughs> सेक्शन का खासियत क्या है ए मतलब क्या सिग्निफाई करता है हम कभी भी कोई भी एक्ट को जब इनैक्ट करते हैं हम ये ए बी सी डी वाला चक्कर नहीं लाते नॉर्मल नंबर्स देते वन टू थ्री फोर फाइव थ्री सेवन एट नाइन टेन तो आप कभी भी किसी भी सेक्शन के आगे अगर कैपिटल ए बी सी डी देखो समझ जाना वो अमेंडमेंट के थ्रू आया था बाद में ठीक है वो पहले से नहीं था वहां पे बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आया था तो ये विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन ट्वेल्व ए भी अमेंडमेंट के थ्रू आया था इन द ईयर टू अच्छा टू में दो अमेंडमेंट्स आए आई में there is one 2018 amendment and there is an amendment called second amendment second amendment mein itne amendments aaye ki it is virtually writing ibc again bahut amendments aaye second amendment mein jaise apne constitution ka 42nd amendment hai na jo bola jata hai virtually writing constitution again waise ye second amendment is ka समझा सबको ठीक है तो यहां पे ये यह आया अब देखो जब आईबीसी इनिशियली आया था ना तो हम लोग ने ऐसा कोई भी विड्रॉल का प्रोविजन नहीं डाला था इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर आप आई के अंदर सी स्टार्ट करते हो तो उसका एंड या तो लिक्विडेशन में होगा या रेजोल्यूशन प्लान में होगा और कोई एंड है ही नहीं बाद में हमें रियलाइज हुआ जब केसेस आने लगे कि भाई ये थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज कई बार कंपनीज ऐसा कर रही थी कि एक बार एप्लीकेशन एडमिट हो गया उन लोग कुछ आपस में समझौता कर लेती थी विद द क्रेडिटर्स कि हम आपको चलो ऐसा पैसे रीपे कर दे रहे ऐसे पैसे रीपे कर दे रहे अल्टीमेटली मेरा एम क्या है पैसा रीपे कराना तो पैसा जब रीपे हो गया तो क्रेडिटर्स होते थे कि चलो ठीक है अगर कंपनी इतनी अच्छी है पैसा रीपे कर रही है तो हमको कंपनी को लिक्विडेट वगैरह नहीं कराना मेरे को सीआईआरपी बंद करवा देना है, है बट वो प्रोसेस खत्म कराने का कोई ऑप्शन ही नहीं था देर वॉज नो प्रोविजन जो ये बात बोलता था कि आप प्रोसेस एक बार स्टार्ट करा दिए तो आप खुद से खत्म करा सकते हो कोई प्रोविजन वैसा नहीं था ठीक है मतलब पहले अगर एक बार सीआईआरपी स्टार्ट हुआ तो कंपनी या तो लिक्विडेट होगी या फिर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा में के इसमें कंपनी के मैनेजमेंट का नुकसान है हम लोग ने बाद में सोचा नहीं यार अपने को क्रेडिटर्स को ये ऑप्शन दे देना चाहिए कि अगर आपका मन है आपने शुरू कराया ना आप चाहो तो खत्म करा सकते हो बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग ने सेक्शन ट्वेल्व में डाला हम लोग ने बोला कि अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के नाइनटी लोग ऐसा रेजोल्यूशन पास करते हैं कि वी वॉन्ट टू विदड्रॉ आर एप्लीकेशन एंड वी वॉन्ट टू पुट अ स्टॉप टू दिस सी आई आर पी देन दे कैन डू दैट ठीक है यहां पे आप परसेंटेज देखो कितना हाई है नाइन्टी परसेंट मतलब वर्चुअली ऑलमोस्ट सारे क्रेडिटर्स को बात इस चीज से अग्री करना पड़ेगा ठीक है तो एक बार अगर सारे क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स मान जाते हैं कि चलो ठीक है अपने ये प्रोसेस कराने का को कोई फायदा नहीं है देन यू कैन विद्रॉ द प्रोसेस इसके पीछे का लॉजिक आप लोग को समझा लॉजिक इतना सही कि वॉट इफ कंपनी बीच में सुधर गई या चलो मान लो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था पचास दिन हो गया कंपनी को जैकपॉट लग गया कंपनी ने सबका पैसा रीपे कर दिया क्या क्रेडिटर्स अब चाहेंगे कि कंपनी का कंट्रोल कहीं और जाए या कंपनी लिक्विडेट हो जाए नहीं चाहेंगे ना तो आप क्रेडिटर्स को तो ऑप्शन दो इसके लिए ये सेक्शन लाया गया ताकि क्रेडिटर्स अपना प्रोसेस रुकवा सके बीच में अगर ऐसा एप्लीकेशन लोग फाइल करते हैं एनसीएलटी के पास टू तो विद्रॉ आपका आ, क्या बोलते हैं सी वहीं खत्म हो जाता है एंड सब चीज़ पहले जैसा हो जाता है डायरेक्टर्स अपनी जगह पे आ जाते हैं शेयर होल्डर्स अपनी जगह पे आ जाते हैं आरपी एंड क्रेडिटर्स की कमिटी निकल जाती है वहां से हाँ, हाँ, ये किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस योर एप्लीकेशन योर रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड जिस दिन एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया रेजोल्यूशन प्लान उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते ये उसके पहले ही करना होगा तो वो तो नेचुरल सी बात है ना अगर विड्रॉ आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया मतलब आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस फिर क्या ही विड्रॉ करोगे कंप्लीट हुए चीज को विड्रॉ थोड़े करते हैं ठीक है चलो ये समझ आया सबको विड्रॉल तो अपने आज यहीं पे रुकते हैं। अपना आज कौन सा वाला सेगमेंट देखे हम लोग मेन वाले चार्ट से आज अपने देखे ये वाला सेगमेंट ये वाला सेगमेंट देखे अपने ये पूरा राइट कल अपने देखेंगे कि अगर सीआईआरपी एक्सेप्ट हो गया तो क्या क्या होती है तो कल से हम लोग देखेंगे ये मॉरेटोरियम पीरियड इन डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट इन डिटेल इंटेरियन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन डिटेल ये तीन चीज ठीक है उसी में हम लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का पूरा क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का डिफरेंस देख लेंगे सब चीज उसी में देखेंगे तो कल से जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला लंबा होगा वो पूरा वीक चलने वाला है ठीक है प्लीज जब तक अपना ये प्रोसेस चल रहा है मत मिस करना एक भी क्लास बिकॉज एक क्लास आज मिस करोगे आगे के तीन क्लास समझ नहीं आने वाले जब तक वो चैप्टर चल रहा है तब तक ठीक है तो अभी क्लास मिस नहीं करना या चलो तो आज का क्लास नहीं खत्म करें एक बार फटाक से करते हैं अपने रिवाइज अगर आप लोगों को लगा कि हम भूल गए थे तो हम नहीं भूले नहीं नहीं रिवाइज तो करना ही है सेक्शन एट से स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? चलो तो आज जो हम लोग नया देखे सेक्शन एट ऑनवर्ड्स हम लोग वो रिवाइज करेंगे सेक्शन एट मतलब डिमांड नोटिस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स डिफॉल्ट हुआ नोटिस को भेजना है कॉर्पोरेट डेटर को कितने दिन का नोटिस टेन डेज का नोटिस दस दिन के अंदर कॉरपोरेट डेटर क्या क्या कर सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट प्रूफ ऑफ रीपेमेंट या फिर रीपे कर दो अगर ये तीनों में से एक भी चीज कर दिया क्या एप्लीकेशन आगे जाएगा नहीं जाएगा अगर तीनों में से कुछ भी नहीं किया दस दिन के अंदर तो आप एप्लीकेशन आगे ले जाओगे किसके पास एनसीएलटी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे डिमांड नोटिस का कॉपी एफिडेविट एफिडेविट में क्या स्टेट करोगे कि आपको डिस्प्यूट के बारे में बताया नहीं है किसी ने भी ठीक है एंड कोई भी और प्रूफ की रिपेमेंट नहीं हुआ था ठीक है एनसीएलटी के पास कितना दिन है डेज का टाइम है क्या यहां पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज करना कंपलसरी है Nine. नहीं है आप चाहो तो कर सकते हो नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो इसीलिए अगर आपने गलती से किसी ऐसे इंसान का नाम दे दिया जो एलिजिबल नहीं है आपका एप्लीकेशन रिटर्न नहीं होता है ठीक है चलो 14 डेज में एनसीएल वेदर डिफॉल्ट और नॉट अगर डिफॉल्ट हुआ तो एडमिट दी एप्लीकेशन नहीं हुआ तो रिजेक्ट दी एप्लीकेशन कितने दिन में इन्फॉर्म करना है सेवन डेज में इन्फॉर्म करना है ठीक है चलिए आते हैं सेक्शन टेन पे सेक्शन टेन कॉर्पोरेट एप्लीकेंट डिफॉल्ट हुआ एप्लीकेशन फाइल करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेम ऑफ अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर्स एनसीएलटी के पास कितने दिन का टाइम है फोर्टीन डेज क्या करना है सर्टेन करना है डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं अगर लगा डिफॉल्ट हुआ है तब एक्सेप्ट करना है नहीं तो रिजेक्ट कर देना है बोथ केसेस में इन्फॉर्म कितने दिन के अंदर सेवन डेज के अंदर इन्फॉर्म करोगे ठीक है चलो वॉट इज अ डिफॉल्ट बेस्ड टेस्ट की डिफॉल्ट होने के बाद ही आप कर सकते हो उसके पहले आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते सेक्शन इलेवन कौन कौन लोग अलाउड नहीं है <laughs> वो कॉरपोरेटेटर जिसका सीआईआरपी चल रहा है जिसका पिछले बारह महीने में कंप्लीट हुआ है या जिसका लिक्विडेशन चल रहा है ये तीन पॉइंट याद रहेगा चौथा पॉइंट वो कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने पिछले बारह महीने में टर्म कोई टर्म या कंडीशन वायलेट किया है ऑफर रेजोल्यूशन प्लान ये लोग अलाउड नहीं होते सेक्शन ट्वेल्व टॉक्स अबाउट टाइम लिमिट टाइम लिमिट कितना है सी का वन डेज क्या एक्सटेंशन मिलता है वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम नाइनटी डेज मिलता है अगर मान लो बीच में लिटिगेशन कर दिए तो टोटल टाइम कितना मैक्सिम थ्री थर्टी डेज टोटल टाइम है ठीक है अगर थ्री थर्टी डेज में आपका नहीं होता है तो योर कंपनी विल गेट लिक्विडेटेड लास्ट सेक्शन सेक्शन ट्वेल्व ए ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था टू थाउजेंड एटीन सेकेंड अमेंडमेंट टू थाउजेंड एटीन कुछ भी बोल रही है कुछ भी <laughs> सेक्शन ट्वेल्व ए आया बाई वे ऑफ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एटीन इसमें ने क्या बोला क्या, क्या बोला इस yeah. you, इसमें करो? अगर सीओसी के 90 परसेंट लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें ये प्रोसेस खत्म करना है हमें आगे लेके नहीं जाना तो प्रोसेस खत्म हो जाता है एवरीथिंग इज रिटर्न बैक टू नॉर्मल ठीक है चलो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म अपने मिलेंगे कल एट द सेम टाइम एंड वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होने से क्या क्या होता है तब तक के लिए हंसते रहिए खुश रहिए धन्यवाद